सुबह लगभग 10 बजे के आसपास मेरे कर्मचारी द्वारा यह सूचना दिया गया कि भाई पीछे ट्रांसफार्मर खुले हुए रखे हुए हैं जिसके अंदर कॉपर वाइंडिंग नहीं है। जाने के बाद मौकाए जांच पे यह पता चला कि वहाँ पर 4 ठो ट्रांसफार्मर चोरों द्वारा खोलकर उसके अंदर से कॉपर वाइंडिंग निकाल लिया गया है और बुशिंग की चोरी हुई है। साथ के साथ सीटी जो लगा रहता है उससे भी चोरी की गई है। इसमें 3 नग सीटी हमारे प्रभावित हुए हैं और 1 मीटरिंग इक्विपमेंट की भी चोरी हुई है। कुल मिला के 7 से 8 नग ट्रांसफार्मर और अन्य उपकरणों की चोरी करी गई है जिससे कि हमारे विभाग को आर्थिक क्षति पहुंची है। सर, इसकी शिकायत आपने की क्या आप कल? अभी तक मैंने इसकी लिखित तौर पे शिकायत चौकी प्रभारी को कर दी है और एक लिखित रूप से शिकायत SDOP साहब के पास भी लिखित रूप से छोड़ दिया गया है। तो सर, लापरवाही किसकी माने? सर, विभाग की माने या फिर यहाँ कर्मचारी ड्यूटी पे नहीं रहते हैं क्या? नहीं, कर्मचारी ड्यूटी में रहते हैं यहाँ पर। कर्मचारी लोग यहाँ पर ऑपरेटर लोग थे रात को, लेकिन जो ट्रांसफार्मर पीछे तरफ रखाया रहता है हमारे बैकयार्ड में, उस समय वहाँ पर रात को लगभग 11-12 के आसपास की, 12 से 4 बजे के बीच की घटना है जिस समय ऑपरेटर ड्यूटी में रहते हैं। तो सर, ऐसी घटना फिर क्यों घटी? सर, चोरी जैसे इतना बड़ा मामला हो गया सर, कहीं ना कहीं आपके जो कर्मचारी ड्यूटी पर थे उनको थोड़ा बहुत भनक तो लगा होगा सर। इस विषय में अभी तक जांच हुआ नहीं है। चौकी प्रभारी जी से बात की गई है और वो अभी अपने टीम भेजकर जांच पड़ताल करेंगे, जिसके बाद ही इस चीज का निष्पक्ष निकल पाएगा कि भाई इसमें क्या सिचुएशन आया था, क्या हुआ था। चलिए।